कोरोना की तीजी लहर के खदशे को ध्यान में रखते हैं पंजाब सरकार वालों पहलों ही सारे प्रबंध मुकम्मल कर ले गए हैं। आज अमृतसर में सरकारी मैडिकल कॉलेज अधीन गुरु नानक देव हस्पताल विखे ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट का उद्घाटन करदे सूबे के मैडिकल सिक्ख्या खोज मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने यह गल आखी। उन्होंने दसिया कि इस ऑक्सीजन प्लांट में प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन पैदा की जाएगी। सोनी ने दसिया कि इस तो पैदा होने वाली ऑक्सीजन हस्पताल दियां कोविड अते नॉन कोविड वार्डां विच लगाईयां गईयां गैस पाइपां राही हस्पताल तक पहुँचेगी। उन्होंने कहा कि इस नाल ऑक्सीजन की कमी तो छुटकारा मिलेगा। ओपी सोनी ने दसिया कि यह ऑक्सीजन प्लांट DRDO वालों लगाया गया है और इसनों स्थापित करने लिए पंजाब सरकार वालों ढुकमें प्रबंध किए गए। इस ऑक्सीजन प्लांट से 3 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मैडिकल सिक्ख्या खोज मंत्री ने दसिया कि इस तरह के मैडिकल कॉलेज में 2 होर प्लांट लगाए जाएंगे। मैडिकल कॉलेज पटियाला भी अज ही ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। मंत्री ने दसिया कि अमृतसर के मैडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों लिए विशेष वार्डा भी बना दी गई ने जिथे बच्चों उन्होंने मापे भी रह सकेंगे। उद्घाटन किए ने सब तो जी बड़ी वही लोड़ थी ऑक्सीजन प्लांट हूँ साड़ी अपनी इतने जी ऑक्सीजन जी प्लांट जनरेट करूँगा। सो पर 1000 लीटर पर मिनट जी 1000 लीटर पर मिनट जी जो गैस तैयार होएगी। सो ये बड़ी वही सहूलत जी पिछे बड़ी मुश्किल सानू आई थी सारे मैडिकल कॉलेज हूँ इतने नहीं पटियाले मैडिकल कॉलेज भी अज ही उद्घाटन जोड़ा किया जा रहा है।